नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चार का चक्रव्यूह। में चार का चक्रव्यूह में आज बात होगी दिन की चार बड़ी खबरों की। चार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और पहली बड़ी खबर यूपी से है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां चुनाव के दौरान कई जिलों में बवाल की खबरें सामने आई। चुनाव के दौरान कई जिलों में हिंसा देखने को मिली, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर देश के कई राज्यों में चल रही वैक्सीन की कमी को लेकर है। तीसरी बड़ी खबर महंगाई को लेकर है, जहां पेट्रोल डीजल के दाम के बाद मदर डेयरी दूध पर भी अब दाम बढ़ गए हैं। वहीं चौथी बड़ी खबर जीका वायरस से जुड़ी हुई है। दरअसल केरल में जीका वायरस के मामले हर किसी की चिंता बढ़ा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से सभी खबरों पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान जारी है। आज सुबह 11 बजे से उत्तर प्रदेश की 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। 1174 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहा। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन जो तमाम जिले से तस्वीरें देखी गई थीं, उससे लगा था कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन आज भी हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान के दौरान काफी हिंसक झड़प देखने को मिली। गाजीपुर के 13 ब्लॉकों पर मतदान हुआ, लेकिन मोहम्मदाबाद ब्लॉक जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी अवधेश राय और निर्दलीय प्रत्याशी उत्सव राय में आमने सामने की टक्कर है, ऐसे में बीती रात उत्सव राय के समर्थकों ने अवधेश राय और बीजेपी विधायक अलका राय के बेटे पीयूष राय पर 6 बीडीसी मेंबर्स का अपहरण करने का आरोप लगा है, जिसके बाद से ही समर्थकों के द्वारा जमकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसकी जानकारी मिलते ही खुद पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह मौके पर पहुंच गए। वहीं हमीरपुर में भी भाजपाइयों ने जमकर बवाल मचाया। वोटिंग करने जा रहे सपाइयों की गाड़ी पर समर्थकों ने हमला भी किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बता दें, जालौन में भी भाजपाइयों ने बीडीसी सदस्यों पर हमला कर दिया और 3 बीडीसी सदस्यों को जबरन अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि पूरा मामला जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सोमई स्थित किशोरी लाल बच्चा लाल यादव महाविद्यालय का है, जहां पर जिला हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर ब्लॉक के 50 बीडीसी सदस्य रुके हुए थे। तभी जिला हमीरपुर के भाजपाई गाड़ियों से हथियारों से लैस होकर आए और बीडीसी सदस्यों के ऊपर हमला कर दिया और हथियारों के दम पर 3 सदस्यों को जबरन गाड़ी में बिठा कर ले गए। वहीं सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिनसे पूछताछ की गई। जैसे हम गेट से करीब 100 मीटर की दूरी पे थे, गैती बिके मंदिर तब मुख्य आश्रम के पास, वहाँ से लगभग 150-200 आदमी थे, जिनमें से हमने पहचाना चंदन शुक्ला को। आगे आया और आगे उसने आगे अपने पिस्टल लगा दिया गाड़ियों पे आगे, तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। जैसे गाड़ी में हुआ ब्रेक, तो चंदन शुक्ला ने अपने साथियों सहित हम पे हावी हो गया और हमको मारा पीटा और हमारे सारी गाड़ियाँ तोड़ दी उसने। देखिए, आज जिला पंचायत के ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है। पंचायत चुनाव जैसे चल रहे हैं, उसमें हम लोग पूर्ण बहुमत में थे। 84 का बोर्ड है, 84 के बोर्ड में हम लगभग 60 सदस्य थे। कल हमारे सदस्यों के ऊपर हमला किया गया जालौन में। 8 की पुलिस ने उनका सहयोग किया, 8 के पुलिस के लोग हम लोगों को पकड़ के ले गए और रात भर हम लोगों को वहाँ पर रखा। बाद में हमें 30 लोगों को छोड़ा, 10 लोगों को बाद में वहाँ फिर भी रखा। हमारे प्रत्याशी को भी कैद कर लिया था। जब हमने विभिन्न जगहों पर शिकायत करी, तब हमारे प्रत्याशी महोदय को छोड़ा। अभी हमारे प्रत्याशी महोदय एक जत्थे के साथ यहाँ पर अपने 8 मतदाताओं के साथ यहाँ गए थे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, पूजा सिंह के गुंडे, राजीव शुक्ला के गुंडे, ये सब सरकारी वाहनों में आकर लाठी डंडों से लैस होकर के वहाँ पर उतरे हैं और हमारे बीडीसी सदस्यों को वहाँ से छीनने का प्रयास किया है। हमारे जो कुछ कार्यकर्ता थे, उनके सर फटे हैं, चोट लगी है। ये बिल्कुल गुंडा राज है। अभी 2 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना मत डाला हुआ है और बाकी मतदान के लिए लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सर, यहाँ पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ बीडीसी मेंबरों का जो अपहरण कर लिया गया है और भाजपा विधायक के पुत्र पर यह सीधा सीधा आरोप लगाया गया, तहरीर भी दी गई है। कोई बात नहीं, जिसकी जो शिकायत होगी, जाँच होगी, जो जाँच में सही पाया जाएगा तदनुसार कार्रवाई होगी।
भारत में जहां कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे, वहीं कई राज्यों में फिर से वैक्सीन की भारी किल्लत होने लगी है। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण निरोधक वैक्सीनेशन वैक्सीन की कमी की वजह से स्थानीय निकाय और सरकारी केंद्रों पर बंद रखा गया और कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से रविवार को भी वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेगा। बीएमसी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी थी कि शुक्रवार को वैक्सीनेशन सेंटर बंद रखा जाएगा, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते शनिवार को भी सेंटर को बंद रखा गया। वैक्सीन की कमी की वजह से शुक्रवार को भी ये अभियान बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के केंद्रों पर निलंबित ही रहा। बीएमसी के बयान के अनुसार वैक्सीन की कमी की वजह से शनिवार को भी वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहा और कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से ये रविवार को भी बंद रहेगा। निकाय के बयान में कहा गया कि वैक्सीन की ताजा खेप प्राप्त होने के बाद ही वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा सकेगा। बीएमसी के अनुसार मुंबई में 7 जुलाई तक करीब 60 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। हालांकि ये सिर्फ मुंबई में ही नहीं हुआ बल्कि उत्तराखंड में भी कोविड वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार कम होती दिख रही है, जबकि सरकार ने दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 100% टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा है। वैक्सीन की कमी से लक्ष्य को पूरा करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। बता दें कि प्रदेश में 16 जनवरी से अब तक 38,40,903 को पहली और 9,42,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। 10 मई तक 18 से 44 साल की उम्र का टीकाकरण शुरू किया गया। 21 जून के बाद केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोग जागरूक तो दिख रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिले में दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बांदा के महिला जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा था। 9 जुलाई को लोगों ने स्लॉट की बुकिंग भी कराई। 10 जुलाई को वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचे तो घंटों इंतजार करना पड़ा। इंतजार करने के बावजूद वैक्सीन नहीं मिली। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रशासन ने हाथ से लिखकर नोटिस चस्पा कर दिया और लिख दिया वैक्सीनेशन बंद हो गया है। इसके बाद लोग निराश होकर वापस घर लौट गए। जिला मुख्यालय रोसनाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पे मुझे मौजूद है और आप देख रहे हैं मीडिया और मैं हूँ आपके साथ इंतजार रहेगा। वैक्सीनेशन सेंटर है जिला हरिद्वार जिला मुख्यालय का, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से यहाँ वैक्सीन जो है वैक्सीन ख़त्म है और लोग जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं अनिवार्य की गई है कि जो भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे। और ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये 24 आवर्स के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, लेकिन लोग जो है लोग यहाँ बराबर आ रहे हैं लेकिन वैक्सीन ना मिलने की वजह से लोग यहाँ से परेशान होकर लौट रहे हैं। लेकिन यहीं जो स्थानीय लोग हैं जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं उन्होंने बताया कि वैक्सीन के लिए जब यहाँ जानकारी की जा रही है तो यहाँ जो इन्हें जानकारी दी जा रही है तो बताया जा रहा है कि वैक्सीन आने की कोई फिक्स तिथि नियत दिनांक इनको नहीं बताया जा रहा है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। स्थिति ये हो गई है कि हर दिन किसी न किसी खाद्य पदार्थ के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक मध्यम वर्गीय परिवार के पूरे महीने का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। पिछले 6 महीनों में घरों के खर्चे औसतन 25-30% तक बढ़ गए हैं। अब अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसमें 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत 11 जुलाई 2021 यानी कि कल से लागू कर दी जाएंगी। कोरोना काल में महंगाई से जनता पहले ही परेशान है। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। वहीं देश भर में एक तरफ बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम आदमी तो परेशान ही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों और मछुआरों की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। तेल कीमतों की वजह से बढ़ती महंगाई सिर्फ आम जनता का ही बजट नहीं बिगाड़ रही बल्कि इसका असर खेती और उन सभी व्यवसायों पर भी पड़ रहा है जो पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं। देश के कुछ राज्यों में डीजल की कीमत 98 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इससे धान की खेती की लागत भी बढ़ गई। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कोई कदम ना उठाए जाने से लोग निराश और परेशान हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहां धान की बेहतरीन किस्में पैदा होती हैं। हालांकि इन दिनों यहाँ के किसान काफी परेशान हैं। एक तरफ बारिश नहीं हो रही तो दूसरी तरफ डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। इसी वजह से धान की खेती की लागत काफी हो गई है।
जहां एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मामलों में कमी देखने के लिए मिल रही है, तो वहीं इसके कप्पा और डेल्टा वेरिएंट ने लोगों के बीच खौफ का माहौल बना दिया है। इसी बीच देश के केरल राज्य में जीका वायरस के मामले सामने आने लगे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केरल में 13 लोग जीका वायरस की चपेट में आ गए हैं। कोरोना लहर के बीच इस वायरस के आने से खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। केरल से 19 लोगों के सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए थे। आशंका है कि इनमें से 13 लोग जीका वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। जीका वायरस मच्छरों से फैलता है और जीका वायरस से संक्रमित होने के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे कि बुखार आना, शरीर पर चकते पड़ना और जोड़ों में दर्द होना। बता दें, इस वायरस से संक्रमित होने वाला व्यक्ति 3 से 14 दिन तक इसकी चपेट में रह सकता है और इसके लक्षण 2 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीका वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में साफ तौर पर लक्षण विकसित नहीं पाते हैं। CDC का मानना है कि इसके संक्रमण से मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती है और इससे बहुत ही कम लोगों की मौत भी होती है। हालांकि WHO ने दुनिया भर की दवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विकसित की जाए, ताकि गर्भवती महिलाओं को किसी तरह का नुकसान ना हो। मार्च 2016 से लेकर अब तक दुनिया भर की 18 दवा कंपनियां जीका वायरस की वैक्सीन विकसित करने में लगी हुई हैं, लेकिन इन कंपनियों का कहना है कि इसकी वैक्सीन बनने में करीब 10 साल का और समय लगेगा। चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।